इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो पंजाब के शंभू बॉर्डर पर है, और आपको बता दें कि किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है, और पिछले 15 दिनों से है सरकार जो किसान जो है वो सड़क पर बैठे हैं और सरकार से अपनी मांग जो है वो मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों के ऊपर जो है वो ज्यादती हुई है दोबारा जब किसान आंदोलन शुरू होता है। फिलहाल जो है सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन हम जो है शंभू बॉर्डर पर हैं और आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरीके से किसान सड़क पर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या परेशानियां इन्हें आती है, सारी चीज़ जो है वो हम किसान जो रोड पर जो आंदोलन में हैं, जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, हम उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। सतनाम सिंह, हाँ जी। कैसे हैं? ठीक है साहब। हम है? देखिए, 11 तारीख से हम लोग इधर दिल्ली जा रहे थे, आगे सरकार ने रोड जाम किया हुआ है। अगर किसान रोड जाम करते हैं तो उसके ऊपर पर्चे होते हैं, लाठी चार्ज होता है। तो अभी सरकार देखो, सब जितने रोड है पूरे भारत के, पूरे दिल्ली को जाते हैं, जो सब इस सरकार ने जाम किए हैं, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने, जितने भी राजस्थान का रास्ता है, बिहार का रास्ता है, यूपी का रास्ता है, पंजाब का रास्ता है, ये सारे मोदी सेंटर सरकार ने बंद किए हैं। हम लोग देखिए, कोई हथियार नहीं लेके जाते, कोई कुछ नहीं, हमारे पास हमारा ये ट्रैक्टर ट्राली यही है सब लेके जाने के लिए। देखिए, बहुत शांति से जा रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे, अपने हक मंगने जा रहे हैं। कोई ऐसा बात नहीं है कि जो हम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, जहाँ हम कोई किसी को मारने जा रहे हैं। पिछले बार भी तो आप लोग आंदोलन में बैठे थे। हाँ जी, वो जो हमारी जो मांग था ना, जो सेंट्रल सरकार ने सब मान लिया था कि हम लोग उसको लागू करेंगे, वो नहीं लागू किया। अभी सेंट्रल सरकार के पास फिर जा रहे थे यही कहने के लिए कि जो हमारे पास किए थे। क्या क्या पास हुआ? उसमें सर फसलों की गारंटी किया था कि ये गारंटी होनी करानी है, तो वो जितने भी गारंटी थे, जितने भी इस किसान के मसले थे, सब उसने मान लिए थे। क्या क्या मांगे हैं आपके? अगर 2-4-5 मांगे हैं तो वो क्या मांगे? मांगे ये है, हमारे मांगे तो बहुत ज्यादा है। उसमें कुछ मांगे पास करें ना हमारा, जैसे 14-15 मांग है जो, उसको तो बोल दिया हम कर देंगे, पर जो कुछ मांग है वो हमारी नहीं मान रहे। जैसे कौन कौन सी मांगे? मांगे है अपनी ये फसलों की गारंटी की, एमएसपी की गारंटी, ये हमको चाहिए। जो स्वामीनाथ रिपोर्ट है वो हमको चाहिए, स्वामीनाथ आयोग की जो रिपोर्ट बनी। हाँ जी, वो उसको चालू करना चाहिए। अच्छा। तो बाकी हम शांति से बैठे हैं। कल को और भी हमारा काफला बड़ा हो रहा है, कल को परसों भी बड़ा हो रहा है। हम लोग का इधर ही रहेंगे जितना टाइम हमारी मंगा पूरियां नहीं मनिया जाएंगी। पिछले बार आप लोग 13 महीने तक बैठे रहे थे और 750 से ज्यादा जो किसान है वो शहीद हो गए। हाँ, उनकी उनको लेकर क्या मांग? उसकी मांग है कि उसका मुआवजा माना हुआ था, ये लोग क्या मुआवजा मांग रहे थे? नौकरी मांग रहे थे और मुआवजा मांग रहे थे भी, वो गरीब आदमी है, किसान कोई अमीर नहीं है, इसीलिए सब जा रहे हैं अपनी मांग रख के। तो सरकार ने उस टाइम तो कर दिया था कि ठीक है, हम मांग मानते हैं आपकी। अभी कोई मांग ऐसा नहीं है पास नहीं किया, उसकी गारंटी किया था कि ठीक है, हम जो भी। उस वक्त क्यों मांगा था? चुनाव था इस वजह से, चुनाव के वजह से, चुनाव पास में आ रहा था, तो उस टाइम बोल दिया था कि हम मान लें आपकी मांग, सब हम मानते हैं। अभी भी चुनाव है 2 महीने के बाद? हाँ, तो अभी भी चुनाव था, होने वाली है। हाँ। अभी चुनाव के पहले इसीलिए जा रहे थे, हमारी जो मांग पास किया था आपने, वो हमारी मांग मान के हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी, किसानों की जो भी मांग है तो उसकी गारंटी की है, कोई भी मांग है वो पूरी करो। अच्छा, टीवी चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि सरकार से बात बन गई, किसान अब लौट रहे हैं। कोई लौट नहीं रहा किसान, सब किसान शंभू बॉर्डर में डटे हुए हैं,
हरियाणा के किसान है जो हरियाणा में डटे हुए हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा, ये अपना गारंटी ले के रहेगा, जो भी मांग है अपना वो ले के रहेंगे इधर। हाँ बोलिए। तो ये जो कोई भी मांग है ना हमारी, तो वो हम मांग रहे हैं। तो ये सब सरकार की बेकामी है, देखो कितना बम चला रहे हैं, कितने गोले चला रहे हैं, आंसू गैस चला रहे हैं हमारे ऊपर। हम तो अपनी मांग रखने जा रहे हैं भी, हमारी मांग पूरी करो। पर मीडिया में ये दिखाया जाता है कि आप लोग जो है प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाते हैं। कोई पत्थर नहीं चलाता, कोई कुछ नहीं है। वो जो गोदी मीडिया है वो उल्टा प्रचार कर रहा है, उल्टा। किसान के ऊपर कोई भी है वो बोलता है गलती करते हैं, हथियार चलाते हैं, ये करते हैं। हमारे पास देखिए क्या है, ये झंडा है, ये लाठी है, बस यही डंडा है, तो यही झंडा है और कुछ नहीं, सिवा कुछ नहीं। इसके सिवा कुछ नहीं है। ये सब सरकार की बेकमी है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो किसान क्या करे? किसान बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं नहीं हटेंगे। ये अपनी जितनी भी मांग रखी है, मांग पूरी, अपने मांग गारंटी की मांग है, वो मांग मान के रखेंगे। मोदी जी पर भरोसा अब है? भरोसा, मांग मानेंगे तो भरोसा है। मान तो पिछले बार भी लिए थे, मांग मान लिया था, अभी लिखती रूप है जो ना। हाँ। वो अपने लिखती रूप में लेने चाहते हैं हम लोग। अच्छा। वो पिछली बार मांग लिया था, 13 महीने बैठे, 700 किसान शहीद हो गया। हमारी मांग ऐसी की ऐसी रख रखी है, और उल्टा और भी लगा रहे हैं हमारे ऊपर। जितने भी किसान भारत के, पूरे भारत के किसान एक साथ है, ऐसा नहीं है भी कला पंजाब है, पूरे किसान भारत के, बिहार है, बंगाल है, यूपी है, अपना उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तराखंड है, और केरला है, कर्नाटका है, सब एक साथ में है। ये दिखाया यही जाता है कि सिर्फ पंजाब के ही लोग या हरियाणा ही के लोग क्यों धरने पर बैठते हैं किस मांग को लेकर, ये विपक्ष की तरफ से इन्हें कहा जाता है, ये आरोप लगता है आप लोगों पर? आरोप देखिए झूठ है सब। सब पूरा भारत का एक साथ किसान है, सबको ही गारंटी चाहिए। सब देखिए, पेट तो सबका है, खाना सबने खाना है। मोदी जी भी हमारा ही जो बीज बगाया हुआ गेहूं है उसकी रोटी खाते हैं, सभी कोई भी है, और किसान का भोजन खाते हैं। तो किसान के ऊपर ही देखो लाठी चार्ज कर रहे हैं, किसान के ऊपर ही सभी चला रहे हैं, गोले चला रहे हैं, आंसू गैस चला रहे हैं। देखिए इससे पहले भी सरकारें रही, क्या इससे पहले भी इस तरह से किसानों के साथ हुआ है? ऐसी सरकार कोई नहीं आई आज तक। कांग्रेस सरकार भी रही है और बीजेपी की भी रही, वाजपेयी जी की, वाजपेयी की भी रही है। ऐसा बम गोला कभी नहीं चलाया, ऐसा कि सरकार ने कभी किया ही नहीं ऐसा काम। क्या लगता है आप लोगों के साथ भेदभाव होता है? भेदभाव करते हैं। कैसे भेदभाव? भेदभाव करते हैं, अपने करते हैं भी। हम लोग मांग मान लिया है, अभी ये लोग को देना नहीं है। क्यों नहीं देना चाहते? क्या पता वो लोग के दिमाग में होगा कुछ बात। ये देखिए पूरे भारत का किसान है, उसकी मांग माननी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन देखिए ये पंजाब का ये शंभू बॉर्डर है, और यहाँ पर 15 किलोमीटर तक जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर हैं। और आपको बता दें कि लगभग जो है 15 दिन पूरे होने को है। 11 फरवरी से ये आंदोलन जो है वो दोबारा शुरू हुआ, और उसके बाद जो है आपने देखा होगा किस तरीके से शुरुआती दौर में किसानों के ऊपर जो है वो आंसू गैस बरसाए गए, रबर बुलेट बरसाए गए, और लाठियां इन पर चली है। और जब आप ठीक आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा कि कीले जो हैं वो कीले लगाई हुई हैं, और ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए उसके लिए जो है वो नोकीले तार हैं, धारदार तार हैं कि अगर ये पार करेंगे या कुछ होंगे तो ये वो देखकर या इनकी गाड़ियों के जो चक्के हैं वो पंचर हो जाएंगे, इसलिए कीले लगाई गई है। फिलहाल जो है किसान जो है वो अभी 2-4 दिनों से शांत हैं, और जिस तरीके से इनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे, रबर बुलेट बरसाए जा रहे थे, लाठियां चल रही थी, वाटर कैनन चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिली है। फिलहाल 2-3 दिनों से ये शांत है, और हम अभी शंभू बॉर्डर पर हैं। किसान अभी क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या इनका रूटीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको आगे के एपिसोड में दिखाएंगे। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट